आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट न्यूज़। और नेक्स्ट नाइट न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो अजब गजब। वेल, अजब गजब में हम बात करते हैं देश और दुनिया के अजब गजब किस्सों के बारे में। ऐसे अजब गजब किस्से जिनसे शायद आप अनजान होंगे, लेकिन जब आप इन्हें जानेंगे तो यकीनन आपके मन में भी एक बार सवाल ज़रूर आएगा, क्या ऐसा होता है। वेल, हम बात करेंगे आज देश और दुनिया में शादियां होती हैं, और अगर बात करें इंडिया, जिसे कहा जाता है ये एक कंट्री है ट्रेडिशन और कल्चर की, तो यहाँ पर शादियों को लेकर भी अलग अलग प्रथा है। और हम ऐसी ही कुछ प्रथाओं के बारे में आपसे बात शेयर करेंगे। एक ऐसी प्रथा जिसे सुनकर आपको यकीनन आपके दिमाग में एक बार सवाल ज़रूर आएगा, क्या शादियों में ऐसी प्रथा भी निभाई जाती है। जी हाँ, खबरों की माने तो शादी में जहाँ पर मुंह पे लोग थूकते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में माना जाता है, यकीनन आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन खबरों की माने ये बात सच है और आज भी इस प्रथा को फॉलो किया जाता है। वेल, इस प्रथा के पीछे पूरी सच्चाई क्या है और किस किस तरह की यहाँ पर प्रथा निभाई जाती है, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में शादी को लेकर हर जगह कई अजीबोगरीब रिवाज है। कहीं दुल्हन का मुंह काला कर दिया जाता है तो कहीं कुछ और होता है। आज एक ऐसा ही रिवाज हम आपको बताएंगे। बता दें कि मुंह पर थूकने का रिवाज, दरअसल केन्या के मसाई समुदाय में शादी के दौरान बेटी की विदाई के समय दुल्हन का पिता अपनी बेटी के सर और छाती पर थूकता है। ये थोड़ा सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा रिवाज है। आपको बता दें कि ये आपको सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये रिवाज पवित्र माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की खुश रहती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर कहते हैं कि इस तरह से एक पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद भी देता है कि वो आगे अपनी लाइफ में खुश रहेगी। वेल, ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। उस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। हर जाति, समुदाय और वर्ग के लोग अपने रिवाज और परंपराएं निभाते हैं। शादी को लेकर भी अपनी एक अलग मान्यता है। जी हाँ, हर जगह शादी को लेकर हर तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं और हर एक समुदाय की अपनी एक प्रथा होती है जो लोग सदियों से फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन कई बार जब भी आप इस प्रथा के बारे में सुनते होंगे तो आपको यकीनन हैरानी होती होगी, क्या ऐसी प्रथा आज के समय में भी निभाई जाती है। देखा ही होगा आप सभी ने कि किस तरह से ऐसी प्रथाओं को लोग लेकर आज भी लोग फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से ये रिवाज निभाया जाता है कि एक पिता अपनी बेटी के मुंह पर थूकता है। जी हाँ, ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन खबरों की माने तो ये बात सच है और ऐसा होता भी है जहाँ पर ये रिवाज आज भी फॉलो किया जा रहा है। वेल, आपको इसी के साथ बता दें कि ये रिवाज जो कि जिसे सुनने में लोग बड़ा ही अजीब मानते हैं, लेकिन ये बात सच है। आपको बता दें कि इस रिवाज को लेकर अपनी ही एक अलग मान्यताएं हैं, जहां शादी के दौरान ऐसा होता है। शादी के दौरान की बात की जाए तो हर जगह की अपनी एक अलग प्रथा है, लेकिन देखिए इस प्रथा को कि किस तरह से दुल्हन के मुंह पे थूकना। जी हाँ, वह प्रथा बड़ी अजीब है। जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं तो दुल्हन के पिता अपनी बेटी के सर और सीने पर थूकते हैं, जिसके लिए बुरे सारे नवविवाहित जोड़े दूर रहे। वेल, यहाँ पर ये शॉकिंग है, लेकिन आपको बता दें प्रथा के अलावा ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी प्रथा आज के टाइम पर फॉलो भी होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी प्रथा के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसी प्रथा जो आज के टाइम पर फॉलो की जाती है। वेल, आपको बता दें कि ये प्रथा जो है वाकई शॉकिंग भरी है, लेकिन जो प्रथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस प्रथा से हटकर और भी ऐसी प्रथाएं हैं
वेल आपको बता दें कि मुंह थूकने वाली जो प्रथा है सिर्फ यहाँ पर ही नहीं होती है या शादी के समय ही नहीं निभाई जाती है। ये मुंह थूकने वाली प्रथा जो यहाँ के समुदाय के लोग और भी बातों को लेकर और भी चीजों को लेकर निभाते हैं। बता दें कि आमतौर पर घर आए मेहमान का स्वागत बड़ी गर्म जोशी से किया जाता है। नए नए पकवान बनाए जाते हैं जिससे मेहमान को अच्छा महसूस हो। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई आपके घर आए और आप उसका स्वागत थूक से करें? जी हाँ, आज हम आपको ऐसी एक और प्रथा के बारे में बताएंगे। बता दें कि केनिया और तंजानिया में रहने वाले मसाई जनजाति में मेहमान का स्वागत कुछ इसी तरह से किया जाता है। यहाँ जो जनजाति एक दूसरे के हाथ पर थूक कर एक दूसरे का अभिवादन करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पर जो लोगों का स्वागत है वो एक दूसरे के ऊपर थूक कर, लोगों के हाथों में थूक कर किया जाता है, जो काफी शॉकिंग है, काफी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन खबरों की माने तो ये बात सच है और ये प्रथा आज भी यहाँ फॉलो होती है। जी हाँ, केनिया और तंजानिया में एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले दोनों लोग एक दूसरे के हाथ पर थूकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सा तरीका है। यकीनन आपको गुस्सा आ जाए कि अगर कोई आपके बगल भी थूक दे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के हाथ पर थूकना वाकई काफी शॉकिंग है कि कैसे कोई एक दूसरे के हाथ पर थूक सकता है। लेकिन जहाँ यह अजीब सी चीज है उसे फॉलो भी किया जाता है। मैं आपको बता दें कि ये जो अजीब सी प्रथा है इसे माना जाता है और लोग यहाँ बड़े से प्यार से ही निभाते हैं और बड़े प्यार से इस प्रथा को फॉलो भी करते हैं। जहाँ एक दूसरे के हाथ पर थूकते हैं वो लोग और फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मसाई समुदाय में से प्रतीक माना जाता है, वो भी सम्मान का प्रतीक। यकीनन सुनने में अजीब है, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ जो मासूम यानी कि जो पैदा हुए बच्चे हैं उन पर भी थूकने का नियम है और कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे के पाप दूर हो जाते हैं। जी हाँ, इस समुदाय में थूकने का नियम है। जहाँ एक दुल्हन पर उसका पिता थूकता है, वहीं मेहमान जो कि उसके घर में आते हैं तो हाथ मिलाने से पहले दोनों एक दूसरे के हाथों पर थूकते हैं, बच्चे पर थूकना ताकि उसके जो सारे पाप है सब धुल जाए। वकील है, काफी शॉकिंग है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रथा है भले ही सुनने में बड़ी अजीब है, लेकिन आज भी ये प्रथा फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा शो अजब गजब, जिसमें हमने बात की एक ऐसी प्रथा के बारे में, जी हाँ, कि शादी में एक दुल्हन के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए थूका जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। यकीनन ऐसी प्रथाएं जो सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर लगती हैं, लेकिन ये आज भी फॉलो की जाती है। जैसा कि कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक गांव में एक लड़की की 5 भाइयों से शादी होती है और वो प्रथा आज भी फॉलो होती आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा वो द्रौपदी यानी कि पांडव के टाइम की ये प्रथा फॉलो करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि इससे घर में प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं होगा। इस प्रथा के पीछे अलग अलग रीजंस बताए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ बात करें तो ये प्रथा अपने आप में एक हैरान कर देने वाली प्रथा है। तो ये था आज का शो अजब गजब, जिसमें हमने बात की एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसे जानकर शायद आप हैरान हो। कल फिर लेकर आऊँगी शो अजब गजब, लेकिन अगर आप भी कोई ऐसा अजब गजब किस्सा हम तक पहुँचवाना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, देन इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं nextmindnewscomment@gmail.com पर। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।